गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट वन सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर टू के यूनिट टू के अंतर्गत चैप्टर वन फिशेज में स्किन एंड स्केल्स का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी बच्चों का मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ स्वागत करता हूं। फिश में स्किन और स्केल, इनका हम पृथक पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। पहले हम फिश के स्किन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ फिश के स्किन की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हम अपनी बात शुरू करते हैं। अन्य जंतुओं की तरह मछलियों की त्वचा भी दो स्तरों से या दो लेयर से निर्मित होती है। इनमें से बाहरी लेयर एपिडर्मिस तथा इनर लेयर डर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। एपिडर्मिस का विकास एक्टोडर्म से होता है। साथ ही साथ एपिडर्मिस को बनाने वाली जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, ये बहुपरतीय होती हैं और इसलिए इन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहा जाता है। इन्हीं एपिडर्मिस के स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के बीच बीच में अनेक यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स को म्यूकस ग्लैंड कहा जाता है। ये म्यूकस ग्लैंड स्किन की बाहरी सतह पर खुलती हैं और इनके द्वारा म्यूसिन नाम के पदार्थ का सिक्रीशन होता है। यह म्यूसिन जब त्वचा के बाहर पानी के संपर्क में आता है तो उसके साथ मिलकर म्यूकस का निर्माण करता है और इसी म्यूकस के कारण से मछलियों की जो बाहरी त्वचा होती है वो लसलसी और चिकनी बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के सबसे नीचे जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कॉलम के रूप में होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक होती है और ये कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे के साथ सटकर लगी हुई होती हैं और इस तरह ये एक लेयर या परत का निर्माण करती हैं। तो इस लंबी कोशिकाओं वाली परत को स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम कहा जाता है और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम निरंतर माइटोसिस की विधि के द्वारा विभाजित होते रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं वो त्वचा की सतह की ओर स्थानांतरित होते रहती हैं और यही वजह है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम विभाजन के लगातार प्रक्रिया के द्वारा नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहती है। एपिडर्मिस की सतह के बाहर स्केल्स निकली हुई होती हैं और ये स्केल वास्तविक रूप से स्किन की डेरिवेटिव्स होती हैं और ये स्केल त्वचा के अंदर निर्मित होती हैं, लेकिन इन स्केल का जो शीर्ष भाग होता है वह त्वचा से बाहर की ओर निकली हुई होती है और इन स्केल्स की जो लगे रहने की दिशा होती है वो शरीर के पीछे की दिशा की ओर होती है। इसके कारण से फिशेस को पानी में तैरते समय किसी भी तरह के जल के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है।
फिश की स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम यह परत अनुपस्थित होती है। दूसरे जंतुओं में स्ट्रेटम जर्मेटाइवम यह कोशिका निरंतर विभाजित होते रहती है और जो कोशिकाएं सतह की ओर पहुंचती हैं तो सबसे ऊपरी सतह पर पहुंचने के बाद ये कोशिकाएं निर्जीव हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और एक तरह का कॉर्नियम या डेड लेयर का निर्माण करती हैं। लेकिन फिशेज में ऐसा नहीं होता है और इसलिए फिश के स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम नाम की जो लेयर होती है वह अनुपस्थित होती है। एपिडर्मिस के नीचे दूसरी सतह डर्मिस स्थित होती है, किंतु एपिडर्मिस और डर्मिस के मध्य में एक पतली मेम्ब्रेन स्थित होती है जो दोनों परतों को एक दूसरे से पृथक रखती है और इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। आइए हम स्किन के दूसरे लेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। स्किन में एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के पश्चात जो दूसरी परत होती है यह परत डर्मिस कहलाती है और इसलिए यह डर्मिस स्किन के भीतर का स्तर बनाती है। इस डर्मिस का निर्माण और विकास मीजोडर्म के द्वारा होता है। ध्यान रखें, एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से होता है जबकि डर्मिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है और यह डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी हुई होती है और इस कनेक्टिव टिश्यू में अन्य रचनाएं जिसके अंतर्गत ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स और कलर पिगमेंट आदि पाए जाते हैं। डर्मिस की यह कनेक्टिव टिश्यू वाली संरचना पुनः दो अलग अलग भागों से मिलकर बनी हुई होती है। इस डर्मिस का जो बाहरी लेयर है यह लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है और यह परत स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम कहलाती है, जबकि स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम के नीचे निहित जो इनर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है यह कॉम्पैक्ट होती है, सघनता के साथ लगी हुई होती है और यह परत स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहलाती है। डर्मिस के नीचे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के पश्चात मसल्स होती हैं और उस मसल से यह स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम मजबूती के साथ लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। आइए फिश के स्किन में उनकी रचनाओं का हम विस्तार से अवलोकन करते हैं। इस चित्र में बाईं ओर जो इलेस्मोब्रैंक फिश है उसे दर्शाया गया है और इसका उदाहरण है स्कालियोडॉन। जो इलेस्मोब्रैंक फिशेज होती हैं उनकी त्वचा पर यदि स्केल होंगी तो वो प्लेकॉइड स्केल होती हैं, यही इनकी प्रमुख विशेषता होती है। जबकि जो बोनी फिशेज होती हैं जिन्हें हम टिलियोस्ट फिश कहते हैं उनके स्किन के बाहर जो स्केल होंगी वो स्केल हमेशा नॉन प्लेकॉइड होंगी। तो शरीर की बाहरी सतह पर स्केल के प्रकार का अवलोकन करके यह जाना जा सकता है कि यह इलेस्मोब्रैंक फिश की स्किन है अथवा किसी बोनी फिश की स्किन है। यहाँ इलेस्मोब्रैंक फिश के स्किन में हम देख पा रहे हैं कि इसकी त्वचा दो भागों से मिलकर बनी हुई है। पहली जो बाहर की ओर है यह एपिडर्मिस है और दूसरी जो एपिडर्मिस के नीचे स्थित है यह डर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस में कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत हमें देखने को मिल रही है और इसी परत को स्ट्रेटम कहा जाता है। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम के नाम से जानी जाती है और इसी स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम में बहुत सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जिन्हें हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं वो
धंसी हुई अवस्था पर होती हैं, लेकिन ये ग्लैंड इपिडर्मिस के बाहरी सतह पर अलग अलग छिद्र के द्वारा खुलती हैं। इस चित्र में इपिडर्मिस के सबसे नीचे की परत को हम देख पा रहे हैं और ये परत टॉल कॉलम जैसी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है और यह परत स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम कहलाती है और इसी जर्मिनेटाइवम में निरंतर जर्मिनेशन या सेल मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया माइटोसिस की विधि के द्वारा होते रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं यहाँ निर्मित होती हैं ये ऊपर की ओर सरका दी जाती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम में जारी रहती है। इपिथिलियम के बीच बीच में हम ये देख रहे हैं कुछ स्केल शरीर के बाहर की सतह से निकले हुए हैं और ये स्केल प्लेकॉइड स्केल कहलाते हैं। इन स्केल्स के लगे रहने की जो दिशा होती है ये पीछे की ओर झुकी हुई होती हैं और इसलिए तैरते समय पानी के फ्रैक्शन को घर्षण को न्यूनतम रखती हैं। दूसरी परत जो भीतर की ओर होती है यह डर्मिस कहलाती है। तो इपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक पतली मेम्ब्रेन यहाँ पर स्थित होती है और इसी मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे का जो भाग है वह त्वचा का दूसरा भाग होता है और इस भाग को डर्मिस कहा जाता है। तो डर्मिस में हम देख रहे हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा निर्मित है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूजली या ढीले ढंग से व्यवस्थित होती हैं, इन्हें स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम कहा जाता है, जबकि स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये सघनता के साथ लगी हुई होती हैं और इस परत को स्ट्रेटम कॉम्पेक्टम कहा जाता है। इस डर्मिस लेयर में क्रोमेटोफोर्स होती हैं, कलर पिगमेंट्स होती हैं और साथ ही साथ नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। यहाँ पर जो स्केल शरीर के बाहर निर्देशित होता है वह अपने आधार के द्वारा डर्मिस में धंसा हुआ होता है और इसके आधार पर बीचों बीच एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को ओपनिंग ऑफ पल्प केविटी कहा जाता है। और यह जो ओपनिंग है स्केल के अंदर जो पल्प केविटी है जो एक केनाल के रूप में उपस्थित होती है उससे संबंधित होती है और इस पल्प केविटी में पल्प भरा हुआ होता है और ये पल्प वास्तविक रूप से नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज और कोशिकाओं से संपन्न होता है। ये इनका नरिशमेंट भी करती है। तो ये संरचना होती है इलेस्मोब्रैंक फिश के स्किन की। वहीं दूसरी ओर यदि हम बोनी फिश के स्किन को देखें तो यहाँ पर भी इनकी त्वचा बाहरी इपिडर्मिस और भीतर डर्मिस के द्वारा बनी हुई होती है। इनमें जो स्केल्स होते हैं ये स्केल्स भी इनके डर्मिस पर धंसे हुए होते हैं और शरीर से बाहर निकले हुए होते हैं। इस इपिडर्मिस परत पे जो कि स्ट्रेटिफाइड होती है, बहुपरती होती है, इनमें भी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इन ग्लैंड्स को भी हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। और यह म्यूकस ग्लैंड म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं और यह म्यूसिन जब त्वचा की सतह पर पहुँचती है वह पानी के संपर्क में आकर के म्यूसिन में बदल जाती है, म्यूकस में बदल जाती है और वह जो म्यूकस है वह फिश के स्किन के ऊपर फैल करके एक लसलसा आवरण या स्लाइमी कोट का निर्माण करती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो डर्मिस है वह भी लूज और कॉम्पैक्ट लेयर से बनी हुई है और यह डर्मिस शरीर के गहराई में भीतर की ओर मसल्स के साथ मजबूती के साथ जुड़ी हुई होती है।
फंक्शन की जहाँ तक बात है, चाहे वो इलेस्मोब्रैंक फिश हो या टिलियोस फिश हो, दोनों के स्किन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। आइए इनके कार्यों के बारे में देखें। स्किन का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है वो है लुब्रिकेशन का। चूँकि जो म्यूकस है वह जंतु के शरीर के बाहर त्वचा पर एक स्लाइमी कोट बना देती है, और इस स्लाइमी कोट के कारण से तैरते समय जंतु के शरीर पर पानी के घर्षण की जो प्रभाव है वो प्रभाव न्यूनतम हो जाता है, और इसलिए ये फिशेस पानी में बड़ी आसानी के साथ तेजी के साथ तैर सकती हैं। दूसरा कार्य, हेल्प टू एस्केप। फिशेस की स्किन चूंकि स्लाइमी होती है और इसलिए इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है, तो जब कोई प्रीडेटर इन्हें पकड़ने का प्रयास करता है तो स्लाइमी स्किन के कारण से ये फिशेस एस्केप कर जाती हैं, उनकी पकड़ से छूट जाती हैं। तीसरा, ये शरीर को अन्य दूसरे तरह के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसी तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ रसायन हैं, इन रसायनों से त्वचा फिश की पूरी तरह से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। चौथा कार्य, बरो फॉर्मेशन। बहुत सारी फिशेज ऐसी होती हैं जो शीत और ग्रीष्म निष्क्रियता के समय जमीन के अंदर सॉफ्ट सॉयल में घुस जाती हैं और वहीं उस अवधि पर विश्राम करती हैं। तो मड में, कीचड़ में बरो बनाने में इनकी जो स्लाइमी स्किन होती है ये सहायक होती है, और इसी स्किन के माध्यम से ये आसानी के साथ मड में बरो या बिल बना सकती हैं और उसके अंदर सुरक्षित ढंग से रह सकती हैं। बहुत सारी मछलियों में इनकी जो त्वचा होती है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। गिल इनके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी त्वचा हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा हुआ होता है और उनके माध्यम से ये श्वसन का कार्य कर सकती हैं, इसलिए ये एसेसरी ऑर्गन्स के रूप में काम करती हैं। छठवां, ये सेंसरी या टेक्टाइल ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। शरीर के बाहर पानी में किसी भी तरह की हलचल होती है तो उस हलचल की जानकारी स्किन के माध्यम से फिश को प्राप्त हो जाती है। इस तरह स्किन सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। साथ ही साथ त्वचा को यदि किसी ऑब्जेक्ट का स्पर्श मिलता है तो उस स्पर्श का अनुभव भी त्वचा जंतु को पहुंचा देती है। सातवां कार्य है कलरेशन। फिश की बॉडी का अपना एक कलर होता है, तो जिस तरह के कलर पिगमेंट इनकी त्वचा पर उपस्थित होंगे उसी तरह का कलर फिश की बॉडी को मिलता है, तो फिश की बॉडी को कलर देने का कार्य भी इनकी स्किन के द्वारा ही होता है। और अंतिम कार्य हम देखें, स्किन पर ही एक्सोस्केलेटन का विकास होता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है स्किन से डिराइव होकर के स्किन के बाहर प्रोजेक्टेड होती हैं, और इन डेरिवेटिव्स में ये स्केल्स, फिन रेस और डेंटिकल्स होती हैं। फिन रेस का आशय ये है कि आपने फिशेस में देखा होगा कि उनके फिन्स में, चाहे वो डॉर्सल फिन हो, पेक्टोरल फिन हो, पेल्विक फिन हो, उसमें इस तरह का सपोर्टिंग स्केलेटल रॉड पाया जाता है, और इसी रॉड को फिन रेस कहा जाता है। तो फिन रेस वास्तविक रूप से क्या हैं, स्किन की डेरिवेटिव्स हैं जो इनके एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। आइए अब हम फिश में पाए जाने वाले स्केल्स का अध्ययन करते हैं। फिश में जो स्केल्स होती हैं वो स्किन की डेरिवेटिव्स होती हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होती हैं
ये स्किन से डिराइव होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और इसलिए इन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। पूर्व में भी हमने ये अवलोकन किया है कि फिश की जो स्किन होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिनमें से बाहरी लेयर आउटर लेयर यह एपिडर्मिस तथा इनर लेयर डर्मिस कहलाती है। इनर लेयर को कोरियम भी कहा जाता है। तो स्केल के निर्माण में डर्मिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए इन स्केल्स को डर्मल स्केल्स कहा जाता है, जबकि इसके विपरीत अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी स्केल्स पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में जो स्केल पाए जाते हैं वो सामान्य तौर पर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, अर्थात इन स्केल्स का निर्माण और विकास एपिडर्मिस के द्वारा होता है। स्केल्स का वर्गीकरण, कितने प्रकार की स्केल फिशेज में पाई जाती हैं, आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो फिश के स्केल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ये दो प्रकार हैं। पहला प्लेकॉयड स्केल और दूसरा है नॉन प्लेकॉयड स्केल। प्लेकॉयड स्केल का निर्माण और विकास यह एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों परतों से होता है, और प्लेकॉयड स्केल ये इलेस्मोब्रैंक फिशेज में पाई जाती हैं, और इलेस्मोब्रैंक फिशेज के अंतर्गत शार्क इत्यादि सम्मिलित होती हैं। जबकि नॉन प्लेकॉयड स्केल का जो विकास होता है वह डर्मिस से होती है, और ये नॉन प्लेकॉयड स्केल इलेस्मोब्रैंक या शार्क मछलियों को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार की फिशेज में पाई जाती हैं। विशेष तौर पर ये बोनी फिशेज में पाई जाती हैं। तो नॉन प्लेकॉयड स्केल को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, इनके तीन प्रकार हैं। पहला यह कॉस्मॉयड स्केल कहलाता है, दूसरा गेनॉयड स्केल और तीसरा ये बोनी रिज कहलाता है। तो कॉस्मॉयड स्केल ये विलुप्त हो चुके लोब फिन फिशेज में पाए जाते हैं। तो लोब फिन का मतलब क्या हुआ कि जिन फिश के जो फिन्स होते हैं वो पतवार की तरह होते हैं, ऐसे लोब की तरह होते हैं, उनको लोब फिन फिशेस कहा जाता है। तो जो विलुप्त हो चुके लोब फिन फिशेस हैं उनमें ये कॉस्मॉयड स्केल पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही फिश ऐसी है जो जीवित है और इसमें कॉस्मॉयड स्केल पाया जाता है, और इस फिश का नाम है लेटीमेरिया। तो एक्सटिंक्ट फिशेस में लोब फिन फिशेस और एक्सटेंट का मतलब जो जीवित है, यह लेटीमेरिया फिश है, इसमें कॉस्मॉयड स्केल पाया जाता है। दूसरे प्रकार का स्केल यह गेनॉयड स्केल कहलाता है, और गेनॉयड स्केल भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का गेनॉयड स्केल यह पेलियोनिस्कॉयड गेनॉयड स्केल कहलाता है, यह प्रोटोप्टेरस में पाया जाता है, और ये प्रोटोप्टेरस लंग फिश है, फेफड़े वाली मछली है। तथा दूसरे प्रकार का गेनॉयड स्केल यह लेपिडोस्टियोइड स्केल कहलाता है, और ये लेपिडोस्टियस फिश में पाया जाता है। इस लेपिडोस्टियस फिश को सामान्य तौर पे गार पाइप के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार की स्केल यह बोनी रिज कहलाती है, और यह स्केल भी दो प्रकार की होती है। पहला साइक्लॉयड स्केल यह कार्प में पाई जाती है, कार्प फिशेस जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं लेबियो, कतला, मृगल इत्यादि, और दूसरा यह टीनॉयड स्केल कहलाता है, और टीनॉयड स्केल कुछ सीमित मछलियों पे ही पाई जाती हैं, जैसे एनाबास है, बेडिस है, सियाना कोटर, साइनोग्लॉसस इत्यादि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये फिश के स्केल के प्रकार के संदर्भ में जानकारी हुई। आइए विस्तार से हम प्रत्येक स्केल की संरचना
का अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केल्स, पहले प्रकार की स्केल यह प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल को डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये स्केल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। स्किन पर प्लेकॉइड स्केल बड़ी सघनता के साथ लगी हुई होती हैं तथा ये स्केल पीछे की ओर निर्देशित होती हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। यह स्केल दो भागों से मिलकर बनी हुई होती है। इसका भीतरी भाग जो बेस पर होता है यह बेसल प्लेट कहलाती है तथा दूसरा भाग जो फिश की त्वचा के बाहर निकला हुआ होता है, प्रोजेक्टेड होता है, यह ट्राइडेंट स्पाइन कहलाती है। तो बेसल प्लेट का जो आकार होता है यह रोम्बॉइडल होता है। साथ ही साथ यह फिश के डर्मिस वाले भाग पर धंसी हुई होती है। बेसल प्लेट का निर्माण कैल्सिफाइड टिश्यू से होता है। साथ ही साथ यह बेसल प्लेट डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और शार्पले फाइबर के माध्यम से मजबूती के साथ जुड़ी रहती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बेस की ओर यह रोम्बॉइडल शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है यही भाग कहलाता है बेसल प्लेट, और यही बेसल प्लेट है जो फिश की त्वचा में डर्मिस पर मजबूती के साथ धंसा हुआ होता है। दूसरा भाग जो इस बेसल प्लेट के ऊपर स्थित होता है यह ट्राइडेंट स्पाइन कहलाता है। ट्राइडेंट का आशय यह है तीन, अर्थात इसमें तीन स्पाइन होते हैं और ये स्पाइन परस्पर एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, जिनमें से मध्य के स्पाइन को मीडियल स्पाइन कहते हैं और इसके साइड पर लगे हुए ये दोनों स्पाइन को लेटरल स्पाइन कहते हैं। तो ट्राइडेंट स्पाइन यह तीन स्पाइन युक्त संरचना है जो त्वचा से बाहर निकल करके स्किन में पीछे की ओर झुकी हुई होती है। यह डेंटाइन नाम के पदार्थ से बनी हुई होती है और यह डेंटाइन पदार्थ सीमेंट की तरह काफ़ी सख्त होता है, कड़ा होता है, और इस डेंटाइन परत के ऊपर विट्रोडेंटाइन की परत होती है। डेंटाइन के भीतर की सतह पर पल्प कैविटी होती है और यह पल्प कैविटी पल्प से युक्त होती है, और पल्प में जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनमें ओडोंटोब्लास्ट सेल, ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स इत्यादि होते हैं। पल्प कैविटी से सूक्ष्म केनाली कुली निकल करके डेंटाइन तक फैली हुई होती हैं। जैसे हम ये मान लें कि ये प्लेकॉइड स्केल का डेंटाइन का हिस्सा है और भीतर की ओर ये पल्प कैविटी है, तो पल्प कैविटी से ऐसी पतली पतली ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं निकल करके इसके सतह की दिशा की ओर जाती हैं। इन्हीं रचनाओं को कहा जाता है केनाली कुली। ट्राइडेंट स्पाइन और बेसल प्लेट के बीच में एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को पल्प कैविटी कहा जाता है। जैसे ये ट्राइडेंट स्पाइन है और इस ट्राइडेंट स्पाइन के बेस पर ये बेसल प्लेट लगी हुई होती है, तो ट्राइडेंट स्पाइन और बेसल प्लेट के जोड़ पर एक सुराख होती है, एक ओपनिंग होती है, और इसी ओपनिंग को कहा जाता है ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी, जिसके द्वारा इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स आदि प्रवेश करती हैं और इनका पोषण करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्लेकॉइड स्केल के संदर्भ में इस तरह से हैं। पहला, शार्क केज जबड़ों में पाए जाने वाले जो दांत होते हैं ये वास्तव में प्लेकॉइड स्केल्स के रूपांतरण होते हैं। शार्क के जबड़ों में यदि आप देखें, जैसे मान लीजिए शार्क का जबड़ा है, तो इस जबड़े में त्वचा के ऊपर इस तरह से
दांत लगे हुए होते हैं और सारे के सारे दांत एक ही आकार के होते हैं, एक ही संरचना युक्त होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं जो जबड़े पर लगे हुए हैं, ये वास्तविक रूप से इन्हीं प्लेकॉयड स्केल्स का मॉडिफिकेशंस होती हैं, रूपांतरण होती हैं। इसी तरह जो प्रिस्टिस है, जिसको साफिश या आरा मछली कहा जाता है, तो इसके जबड़े पर ये आरे जैसी रचना प्रोलॉन्ग्ड होती है, लंबी लगी हुई होती है, और इस आरे जैसी रचना के दोनों सतह पर ऐसे नुकीले दांत जैसी रचना मौजूद होती है, जिसके कारण से यह सा या आरे की तरह दिखाई देती है, और इसी वजह से इस फिश को सा फिश कहा जाता है। तो इस सा के सतह पर भी ये डेंटिकल्स जो दिखाई दे रही हैं, ये डेंटिकल्स भी प्लेकॉयड स्केल्स के रूपांतरण हैं, उनके मॉडिफिकेशन हैं। इसी तरह से स्टिंगरे, जिसको हम ट्राइगोन कहते हैं, उस ट्राइगोन में जो स्पाइन होता है ना, यह स्पाइन भी प्लेकॉयड स्केल का रूपांतरण है। तो प्लेकॉयड स्केल शरीर के कुछ अन्य भागों पर रूपांतरित होकर के नवीनतम संरचनाओं में बदल जाती है, और उन्हीं संरचनाओं को रूपांतरण कहा जाता है या मॉडिफिकेशन कहा जाता है। दूसरे प्रकार की स्केल जो नॉन प्लेकॉयड स्केल है, यह कहलाती है कॉस्मॉइड स्केल। कॉस्मॉइड स्केल ये विलुप्त हो चुकी जो प्लेकोडर्म फिशेज हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेज हैं, तथा लोब फिन फिशेज हैं, लंग फिशेज हैं, उनमें पाई जाती थी। तो ये जो फिशेज हैं वर्तमान में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको एक्सटिंक्ट या विलुप्त फिशेज कहा जाता है। तो इनमें कॉस्मॉइड स्केल उनकी त्वचा पर पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही फिश है जो जीवित है, और उस फिश का नाम है लेटीमेरिया। तो वर्तमान में केवल लेटीमेरिया में ही कॉस्मॉइड स्केल पाई जाती है। ये कॉस्मॉइड स्केल प्लेट के समान चपटी होती है। यह स्केल तीन परतों के द्वारा निर्मित होती है, और ये परत कौन कौन से हैं आप ये देखिए। स्केल की इन परतों को हम नीचे से ऊपर की दिशा पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो स्केल की जो सबसे भीतर की परत होती है, यह परत आइसोपेडीन कहलाती है। तो आइसोपेडीन इस कॉस्मॉइड स्केल की सबसे भीतर की परत होती है, जो लेयर्ड बोन्स के द्वारा बनी हुई होती है, जिसमें रक्त के प्रवाह के लिए सूक्ष्म नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये स्केल के नीचे का जो भाग होता है, यह लेयर्ड बोन्स के द्वारा बना हुआ है, और इन्हीं लेयर्ड बोन के बीच बीच में ये नलिकाएं जो आप देख रहे हैं ये उपस्थित होती हैं, और इसी परत को कहा जाता है आइसोपेडीन। यह सबसे भीतर की परत होती है। दूसरी परत जो मध्य में होती है, अर्थात आइसोपेडीन के ठीक ऊपर की ओर होती है, यह स्पॉन्जी बोन्स के द्वारा बनी हुई होती है, और इसमें वेस्कुलर स्पेस, छोटे छोटे स्पेस जो हम देख रहे हैं, ये वेस्कुलर स्पेस है। यहीं से इनके माध्यम से रक्त का प्रवाह जारी रहता है, और यह रचना कहलाती है वेस्कुलर लेयर। चूंकि यह स्पॉन्जी बोन से बनी हुई है, इसलिए इसके वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन लेयर भी कहा जाता है। और तीसरी परत जो सबसे ऊपर की ओर होती है, इस परत को डेंटाइन कहा जाता है, और यह डेंटाइन कॉस्मिन नाम के पदार्थ से बनी रहती है, और इसलिए इस पदार्थ के कारण से इस स्केल को कॉस्मॉइड स्केल कहा जाता है, और इसी कॉस्मिन में पल्प केविटी पाई जाती है। तो कई जगहों पर हम इस कॉस्मिन लेयर में, यह हार्ड लेयर है जो सबसे बाहर की ओर है, यही कहलाती है कॉस्मिन लेयर, और इस कॉस्मिन लेयर में भीतर की सतह पर हम देख रहे हैं ये पल्प केविटी मौजूद है। जैसे मान लीजिए ये हार्ड कॉस्मिन की लेयर है, इस तरीके से ये काफ़ी मोटी होती है, हार्ड होती है, इस तरह हम मान सकते हैं। तो इन्हीं
कॉस्मिन लेयर के भीतर जो जगह खाली होती है, इस जगह पर पल्प केविटी पाई जाती है और इसी पल्प केविटी में पल्प भरा हुआ होता है। ये संरचना होती है कॉस्मॉइड स्केल की। तो यदि एक स्केल को हम बाहर से देखें तो वो इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन उनकी भीतरी संरचना को हम देखें तो सेक्शन में ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे भीतर की ओर आइसोपेडिन, मध्य में वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन तथा सबसे ऊपर की सतह पर कॉस्मिन की परत। तीसरे तरह की स्केल यह गेनॉइड स्केल कहलाती है, और ये जो गेनॉइड स्केल है यह भी दो प्रकार की होती है, जिन्हें क्रमशः पेलियोनिस्कॉइड गेनॉइड और लेपिडोस्टियाइड गेनॉइड स्केल कहा जाता है। आइए पहले हम देखें पेलियोनिस्कॉइड गेनॉइड स्केल के बारे में। तो पेलियोनिस्कॉइड गेनॉइड स्केल की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि इनमें जो आइसोपेडिन या लेयर्ड बोन होता है ये उपस्थित होती हैं। सबसे नीचे की ओर जो लेयर्ड बोन है ये उपस्थित होती हैं। वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन लेयर यह अनुपस्थित होती है तथा कॉस्मिन की लेयर अल्प विकसित होती है। तो सबसे ऊपर की जो परत है वो कॉस्मिन की है लेकिन वह अल्प विकसित होती है, और इस कॉस्मिन लेयर के ऊपर, अल्प विकसित कॉस्मिन लेयर के ऊपर एक बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड गेनाइन की परत पाई जाती है, और इसी गेनाइन परत के कारण से इस स्केल का नाम गेनॉइड स्केल पड़ा। तो ये जो गेनाइन की परत होती है ये काफ़ी सख्त होती है, साथ ही साथ इस गेनाइन के कारण से ही स्केल को एक धात्विक चमक, जिस तरह से धातुओं में एक चमक होती है वैसी चमक इसको प्रदान की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं एबव द कॉस्मिन लेयर इज ए हार्ड मल्टी लेयर्ड गेनाइन विच गिव्स ए लस्ट्रस मेटेलिक शाइन। धातु की तरह ये स्केल चमकदार होती है, और ये चमक किसके द्वारा मिलती है, इस बहुस्तरीय गेनाइन के द्वारा जो इनके अल्प विकसित कॉस्मिन लेयर के ऊपर स्थित होती है। और ये जो स्केल्स होती हैं ये पॉलिप्टेरस में पाई जाती हैं। वर्तमान में पॉलिप्टेरस ये जीवित फिश है, इनमें पाई जाती हैं। इस चित्र में आप गेनॉइड स्केल के स्क्रीन पर लगे रहने की व्यवस्था या क्रम को देख सकते हैं। ये टाइल्स के रूप में एक दूसरे के साथ सट करके लगी हुई होती हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये लाइन में एक के पीछे एक लगी हुई होती हैं। इस चित्र में हम देखें सबसे नीचे की ओर जो आइसोपेडिन की लेयर है, भीतरी परत है, ये उपस्थित होती है, जबकि वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर यह अनुपस्थित है, और कॉस्मिन की लेयर ये अल्प विकसित है, और इसी कॉस्मिन लेयर के ऊपर गेनाइन की बहुपरती लेयर पाई जाती है जो स्केल को धात्विक चमक प्रदान करती है। तो बाहरी रचना पर ये स्केल इस तरह से दिखाई देती है, और इसकी हिस्टोलॉजी या अंदरूनी संरचना हम देखें तो ये इस तरह से दिखाई देती है। ये रचना हुई पेलियोनिस्कॉइड गेनॉइड स्केल के बारे में। आइए गेनॉइड स्केल के दूसरे प्रकार के संदर्भ में देखते हैं, और ये स्केल है लेपिडोस्टियाइड गेनॉइड स्केल। इसकी क्या विशेषता होती है वो हम देखते हैं कि इनमें जो आइसोपेडिन है, जो सबसे नीचे भीतर की परत होती है, यह उपस्थित होती है, साथ ही साथ वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन अनुपस्थित होती है, कॉस्मिन लेयर भी अनुपस्थित होती है, और गेनाइन लेयर में अनेक ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये उपस्थित होती हैं, और ये स्केल परस्पर एक दूसरे से टाइल्स की तरह व्यवस्थित होती हैं, लेकिन इनकी जो पंक्तियां होती हैं ये तिरछी होती हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये लेपिडोस्टियाइड गेनॉइड स्केल हैं, लेकिन इनका जो लगे रहने का क्रम है वो तिरछा है। ये देखिए तिरछे लाइन पर लगी रहती हैं।
ठीक है, तो टाइल्स की तरह लगी हैं लेकिन ये तिरछे लाइन के रूप में व्यवस्थित होती हैं। लेपिडोस्टियोइड गेनार्ड स्केल ये वर्तमान में लेपिडोस्टियस में पाया जाता है। इस चित्र पे भी हम देख सकते हैं ये वेस्कुलर ट्रेबिकुली जिसको हम कह रहे हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। आइसोपेडिन उपस्थित होता है, वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन अनुपस्थित है, कॉस्मिन लेयर अनुपस्थित है, लेकिन इनका सबसे ऊपर का जो पर्त होता है ये पर्त गेनाइन पर्त ये उपस्थित है, और इस पर्त में भी आप देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ये विशेषता होती है लेपिडोस्टियोइड गेनाइड स्केल की। चौथे प्रकार की स्केल यह साइक्लॉइड स्केल कहलाती है, और ये साइक्लॉइड स्केल सबसे सरल प्रकार की स्केल होती है जो कार्प फिशेज में पाई जाती है। यह साइक्लॉइड स्केल केवल दो परतों के द्वारा बनी हुई होती है, और ये जो दो परत होते हैं क्रमशः आइसोपेडीन और फाइब्रस पार्ट होता है, इन्हीं दो भाग से मिलकर ये बनी हुई होती है। अन्य सभी भाग जो इसके पूर्व हमने देखा ये सारे के सारे भाग अनुपस्थित होते हैं। ये जो स्केल हैं फिश के स्किन पर ओवरलैपिंग पैटर्न पर लगे हुए होते हैं। ओवरलैपिंग पैटर्न का आशय यह है ये स्केल परस्पर अपने पीछे वाले स्केल के कुछ भाग को ढक करके रखती हैं। इस पैटर्न को ओवरलैपिंग पैटर्न कहा जाता है। इस साइक्लॉइड स्केल में जो प्रमुख भाग होते हैं वो इस तरह से हैं। पहला भाग यह फोकस कहलाता है, तो फोकस का भाग स्केल के ठीक सेंटर पर होता है। इस फोकस वाले भाग को न्यूक्लियस भी कहा जाता है, तो फोकस या न्यूक्लियस दोनों का आशय एक ही है। और यह जो फोकस या न्यूक्लियस का भाग है, जब स्केल का विकास होता है तो यह भाग सबसे पहले विकसित होता है। दूसरा भाग यह सर्कुलाई कहलाता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे हम मान लें यह न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसी पतली पतली लाइनें या एक सर्कल के रूप में व्यवस्थित होती हैं, विकसित होती हैं। इन्हीं लाइनों को सर्कुलाई कहा जाता है, और इन्हीं सर्कुलाई को लाइन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, ग्रोथ रिंग या लाइन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। फिश की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उसका ग्रोथ जैसे जैसे होता चला जाता है, नई नई सर्कुलाई का निर्माण होते रहता है, और इस तरह ये रचनाएं जो बन रही हैं सर्कल पर मौजूद हैं, इन रचनाओं को सर्कुलाई कहा जाता है। तीसरी रचना यह रेडियाई कहलाता है, तो रेडियाई का मतलब क्या है, अर्धव्यास, रेडियस। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनके फोकस से लेकर के न्यूक्लियस से लेकर के इनके मार्जिन की ओर कुछ लाइनें हमको दिखाई देती हैं, और इन्हीं लाइनों को रेडियाई, बहुवचन है तो रेडियाई कहा जाता है। चौथी रचना ये एनुलाई कहा जाता है, तो एनुलाई नाम से क्या लगता है, ये एनुअल है अर्थात वर्ष में एक बार ही निर्मित होते हैं। तो सर्कुलाई के साथ ही साथ कुछ गहरी लाइनें इनमें देखने को मिलती हैं, सर्किल के साथ में ही ऐसी गहरी लाइनें देखने को मिलती हैं। तो ये जो गहरी लाइन है साल में एक बार बनती हैं, क्योंकि ये एनुअली बनती हैं इसलिए इनको एनुलाई कहा जाता है, और इन्हीं एनुलाई की संख्या को गिन करके फिश की उम्र का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एनुलाई प्रतिवर्ष बनते हैं। पांचवा भाग यह एंटीरियर मार्जिन, फिश के स्केल का वह भाग जो बाहर की ओर स्थित होता है तथा स्किन में धंसा हुआ होता है, स्किन के अंदर धंसा हुआ होता है, यह भाग इसका एंटीरियर मार्जिन होता है। और दूसरा पोस्टीरियर मार्जिन, यह इसका पिछला भाग है, यह स्केल का स्वतंत्र भाग होता है, और यही भाग है जो इनके त्वचा से बाहर की ओर निकला हुआ होता है, एक्सपोज्ड होता है। क्योंकि ये त्वचा के बाहर निकला हुआ होता है इसलिए यह घिसा हुआ दिखाई देता है, और इस भाग में
कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो साइक्लॉयड स्केल है ये कार्प मछलियों में पाया जाता है, जिसके उदाहरण हैं लेबियो, कतला, मृगल आदि। ये लैब में माउंट किया हुआ साइक्लॉयड स्केल है। तो बीच में आप देख पा रहे हैं ये फोकस हैं, ये गहरी लाइन के रूप में ये एन्यूलाई है, उसके बाद ये सर्कुलाई है, और ये जो धारियाँ इनके एंटीरियर मार्जिन से फोकस या न्यूक्लियस की ओर आ रही हैं, ये इनकी रेडियाई हैं। ये संरचना होती है साइक्लॉयड स्केल की। पांचवा स्केल है टीनॉयड स्केल। साइक्लॉयड स्केल और टीनॉयड स्केल की रचना लगभग एक समान होती है, और इन रचनाओं में जैसा कि पहले हमने देखा कि फोकस या न्यूक्लियस यह सबसे पहले विकसित होने वाला केंद्र का हिस्सा है, सर्कुलाई जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ग्रोथ लाइन के रूप में विकसित होते हैं, रेडियाई जो इनके एंटीरियर मार्जिन से फोकस या न्यूक्लियस के बीच में स्थित होती हैं, एन्यूलाई जो सर्कुलाई के बीच बीच में वर्ष में एक बार बनती हैं, यह एन्यूलाई कहलाती हैं, एंटीरियर मार्जिन जो स्किन में धंसी हुई होती है, और पोस्टीरियर मार्जिन जो इनकी त्वचा के बाहर निकल करके स्वतंत्र होती है और ये घिसी हुई अवस्था पर दिखाई देती है, जिसमें क्रोमेटोफोर इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी है कि साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल में केवल एक ही अंतर होता है, वो अंतर ये है कि इनके पोस्टीरियर मार्जिन में अर्थात स्केल का वो हिस्सा जो त्वचा से बाहर एक्सपोज्ड होता है, वहाँ पर टीनी या दांत जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इस स्केल का नाम टीनॉयड स्केल हुआ। और इस प्रकार के जो स्केल्स होते हैं वो एनाबास, टेल्पिया, सियाना, बेडिस इत्यादि मछलियों पे पाए जाते हैं। इस माउंटेड स्केल पे हम देख सकते हैं ये टीनी या दांत जैसी रचनाएं इनके पोस्टीरियर मार्जिन या एक्सपोज्ड पार्ट पर दिखाई दे रही हैं, बीच में न्यूक्लियस या फोकस, एन्यूलाई, सर्कुलाई, रेडियाई इत्यादि हैं, और ये एंटीरियर मार्जिन हैं जो इनके डर्मिस में धंसी हुई होती हैं। ये संरचना हुई टीनॉयड स्केल की। प्लेकॉयड स्केल के डेवलपमेंट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्लेकॉयड स्केल का जो निर्माण होता है ये मीजेनकाइम कोशिकाओं के द्वारा होता है, और ये मीजेनकाइम कोशिकाएं इनके डर्मिस पर पाई जाती हैं, क्योंकि डर्मिस का विकास मीजोडर्म से होता है, और इसलिए इनकी कोशिकाओं को मीजेनकाइम कोशिकाएं कहते हैं। तो मीजेनकाइम कोशिकाएं नियमित रूप से स्टेटम जर्मिनेटाइवम के नीचे विभाजित होकर के एकत्रित होने लगती हैं। जैसे हम ये मान लें ये पहली स्थिति है, तो यहाँ पर जो मीजेनकाइम कोशिकाएं हैं ये सारी की सारी कोशिकाएं कई जगहों पर आ करके इस स्टेटम जर्मिनेटाइवम, ये रचना है स्टेटम जर्मिनेटाइवम, इसके नीचे एकत्रित होने लगती हैं और इनका समूह बनने लगता है। क्योंकि इनका समूह बड़ी तेजी के साथ बनता है और इसलिए ये एकत्रित हुई मीजेनकाइमल सेल इस स्टेटम जर्मिनेटाइवम को ऊपर की ओर ढकेलती हुई, और ढकेलने के कारण से ये आप देख रहे हैं कि एक आर्च जैसी रचना निर्मित हो जाती है, और इसी आर्च जैसी रचना को डर्मल पैपिला कहा जाता है, और ये डर्मल पैपिला धीरे धीरे ऊपर उठते हुए प्लेकॉयड स्केल का आकार लेने लगता है, अर्थात इसमें स्पाइन जिस आकार में बनना है वो आकार निर्मित हो जाती है, बेसल प्लेट जहाँ बनना है इस चौड़े भाग पर यहाँ उस तरह की रचना विकसित हो जाती है। तीसरे क्रम में डेंटाइन का निर्माण, जो डर्मल पैपिला हैं इस डर्मल पैपिला की बाहरी सतह की सेल्स ये ओडोंटोब्लास्ट सेल कहलाती हैं, और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल ग्लैंडुलर होती हैं, और ग्लैंडुलर होने के कारण से ये डर्मल पैपिला को घेरते हुए उसके बाहरी सतह पर विट्रोडेंटाइन या जिसको हम कहते हैं इनेमिल
का निर्माण कर लेती हैं। यह भाग डेंटाइन कहलाता है। चौथा भाग विट्रोडेंटाइन। इस विट्रोडेंटाइन या इनेमल के निर्माण के लिए डेंटाइन जो कि पहले विकसित हो चुकी है, इसके संपर्क में रहने वाली जो स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम की परत है वह इनेमल का सिक्रीशन करती है। इस इनेमल को विट्रोडेंटाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इनेमल ऑर्गन का सिक्रीशन करनी है वो कोशिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये डेंटाइन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, तो ये डेंटाइन का निर्माण काले लाइन के रूप में हमें दिखाई दे रही, और भीतर की ओर ये हिस्सा कहलाता है पल्प कैविटी। स्किन में ऊपर का यह भाग इपिडर्मिस और नीचे का शेष भाग यह डर्मिस कहलाता है। तो प्रथम चरण में जो मीजेनकाइम सेल्स होती हैं वो एग्रीगेट होती हैं, एकत्रित होती हैं। दूसरे चरण में ये कोशिकाएं स्किन को ऊपर की ओर ढकेल करके डर्मल पैपिला का निर्माण करती हैं, और तीसरे चरण में डेंटाइन का निर्माण इन डर्मल पैपिला के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें डेंटाइन का जो निर्माण है वो डर्मल पैपिला के द्वारा किया जा चुका है। अगले क्रम में जो पल्प कैविटी और पल्प है, डर्मल पैपिला के भीतर का भाग यह कठोर नहीं होने पाता, अर्थात ये कैल्सीफाइड नहीं हो पाता, और इसलिए यह भाग पल्प कैविटी के रूप में विकसित हो जाता है या पल्प कैविटी कहलाता है, और इसी में पल्प भरा हुआ होता है। इस तरह प्लेकार्ड स्केल में उसके स्पाइन वाले भाग का, जिसको हम ट्राइडेंट स्पाइन कहते हैं, उसका विकास पूर्ण होता है। दूसरा भाग जो त्वचा के भीतर डर्मिस में धंसा हुआ होता है उसे हम बेसल प्लेट कहते हैं। तो बेसल प्लेट का निर्माण कैसे होता है वो हम देखें कि जो डर्मल पैपिला है उसके बेसल पार्ट को घेरने वाली डर्मिस की मीजेनकाइम कोशिकाओं के द्वारा सीमेंट जैसे कड़े पदार्थ का सिक्रीशन या स्राव होता है, और यही स्राव है जो ठोस होकर के बेसल प्लेट का निर्माण करता है। इस तरह प्लेकार्ड स्केल के दूसरे भाग बेसल प्लेट का निर्माण पूर्ण होता है। जब ये दोनों भाग निर्मित हो जाते हैं उसके बाद यह स्केल त्वचा से बाहर प्रोजेक्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्केल। तो प्लेकार्ड स्केल का जो स्पाइन जैसा भाग है यह स्पाइन स्किन के बाहर निकल जाता है और निकल करके फिश के शरीर के पीछे की दिशा पर निर्दिष्ट हो जाता है, जबकि बेसल प्लेट अभी भी डर्मिस के अंदर धंसा हुआ होता है और प्लेकार्ड स्केल को मजबूती के साथ त्वचा में स्थापित रखता है। यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि प्लेकार्ड स्केल का कुछ भाग यह डेवलप होता है इपिडर्मिस से तथा कुछ भाग डर्मिस से भी विकसित होता है। तो प्लेकार्ड स्केल स्किन के इन दोनों भागों से विकसित होता है। इस पूरी विकास की प्रक्रिया को हमने संयुक्त रूप से इस चित्र के द्वारा पुनः यहां प्रदर्शित किया है। फंक्शन ऑफ स्केल्स। स्केल के कार्य क्या हैं? स्केल के महत्वपूर्ण कार्य इस तरह से हैं। पहला है प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। क्योंकि स्केल रफ होते हैं, टफ होते हैं और स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, और इसलिए जंतु को बाहर से ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये दूसरे तरह का प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन का निर्माण करते हैं और इसलिए ये बाहर से परजीवियों और दूसरे तरह के पैथोजेंस हैं उनके प्रवेश को रोकते हैं और जंतुओं को सुरक्षा देते हैं। तीसरा, एज एंड ग्रोथ डिटरमिनेशन। फिश की उम्र और उसकी ग्रोथ को इसके द्वारा जाना जा सकता है। पहले भी हमने देखा कि साइक्लॉयड और टीनॉयड स्केल में सर्कुलाई बन रही हैं और यही सर्कुलाई हैं जो फिश की ग्रोथ को डिटरमाइन करती हैं, उसको बताने में सहायता करती हैं।
साइक्लाइड और टीनार्ड स्केल में जो प्रतिवर्ष एक रिंग बनती है जिसे हम एन्युलाई कहते हैं, तो इस एन्युलाई की संख्या की गणना करके फिश की उम्र का पता लगाया जा सकता है। चौथा है प्रिडेशन। प्रिडेशन का मतलब है शिकार। शार्क के जबड़ों पर जो टीथ पाए जाते हैं, ये टीथ शिकार करने में, शिकार को पकड़ने में और शिकार को एस्केप करने में बचाते हैं। तो दांत शिकार पकड़ने का काम करती हैं और साथ ही साथ मुंह में आया हुआ शिकार मुंह से बाहर न निकल जाए, इसलिए उसको एस्केप होने से ये बचाती हैं। पांचवा, ऑफेंस एंड डिफेंस, आक्रमण और सुरक्षा के अंग। साफ फिश में जो साफ होता है ये उनके आक्रमण और सुरक्षा के अंग हैं। ट्राइगोन फिश में, जिसको हम स्टिंगरे कहते हैं, उसमें स्पाइन पाया जाता है, यह भी उसके आक्रमण और सुरक्षा के अंग हैं। और ये सभी प्रकार के अंग प्लेकार्ड स्केल के रूपांतरित भाग हैं। लास्ट में हम देखें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आत्मरक्षा के लिए डायोडॉन के शरीर पर पाए जाने वाले जो स्केल्स होते हैं ये स्पाइन में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह ये इसकी सुरक्षा या प्रिवेंशन में मददगार होते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये डायोडॉन का है। इसकी त्वचा पे आप देखिए, ये स्केल रूपांतरित हो गए हैं किसमें, स्पाइन में, और ये इनके सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये प्रिस्टिस है, साफ फिश है। आप इसके जबड़े को देख रहे हैं, इस जबड़े पर ये दांतेदार जैसी रचना है और इसके कारण से ये साह या आरी जैसी दिखाई देती है। ये स्केल के फंक्शंस के बारे में जानकारी हुई। क्वेश्चन आवर परीक्षा में जो प्रश्न इससे संबंधित होते हैं वो इस तरह से हैं। राइट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन ऑफ फिश। दूसरा, राइट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकार्ड स्केल। तीसरा, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केल्स इन फिशेस। और लास्ट सेम क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन एंड स्केल्स इन फिशेस। रेफरेंस में जिन किताबों से हमने ये जानकारियां एकत्रित की हैं उनकी सूची यहां पर दी हुई है। प्लेकार्ड स्केल के डेवलपमेंट का डायग्राम हमने इंटरनेट में इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लिया हुआ है। धन्यवाद।